के सबसे हैंडसम जो हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, नसीम। खड़ा होकर बोलो। क्या कहा था मुझे डब्बा टीवी? तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम जैसे लोग ना लड़कियों की टांगे देखकर बता देते हैं कि लड़की किस मोहल्ले में रहती है, इसीलिए। लेकिन ऐसी शक्ल के बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर बनते हैं, बाकी सब यहाँ बाहर चित्रात के बाहर भी मतलब ठेलियों पे अंडे होते हैं ना, वो बेचते हैं। लव यू गाइस, इतनी इज्जत देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और गुस्सा थूक दे यार, मैं हट जाता हूँ। कुड़ी को ला जाता था क्या ये? बचपन से सुना था कि मेहमान की इज्जत होनी चाहिए, और तुम आप कलाकारों का कोई ज्यादा कसूर नहीं। आगे कितने जा रहे हैं? तो बैठ। ओ सर। कसूर यह है कि आप सब बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे उस डायरेक्टर का, वो आधी दर्जन राइटर का एड्रेस फोन नंबर चाहिए। दिस इज फ्रॉम वन कलाकार टू अनदर कलाकार। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, फैंटास्टिक, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले हफ्ते हर शनिवार रात 10 बजे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट। अच्छा ए आगे से भाग रहे हो तुम लोग, चीटिंग कर रहे हो। रुबीना विशाल, रुबीना चीटिंग हो रही है। रुबीना चीटर, ए चीटर, ए चीटर, ए चीटर। रुबीना इधर से भागिए, इधर से। एक मिनट, हमारे पास पुख्ता सबूत है। इधर से भाग रहे थे, चीटिंग है। क्या बोलते हैं? चीटर, 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 चीटर। चलिए ये राउंड वापस से होगा। 3, 2, 1, गो। भागो। हाँ अच्छा है, गलत रखा मेरे भाई। पीछे क्यों आगे रहे यार? मैं तेरे को बोल भी रहा हूँ, तू आगे। मैं इधर से जा रहा हूँ। ये लड़की, तुम बिना कोई एक्स लिए वहां क्यों नहीं गई? रुबीना निशा, रुबीना निशा, जनता ने जवाब दे दिया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राउंड के विनर है निशांत और रुबीना। यार कुछ और खेला इनको, बहुत चीटिंग कर रहे हैं ना ये लोग। कुछ ऐसा करें जिसमें उनको मौका ही ना मिले। तुम तो चीटिंग की बात मत करो, खुल्लम खुल्ला जो तुम कर रहे हो अपनी बीवी पे चीट, सबको पता है। पुनीत भाई, इस बात पे मैं रुबीना को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो सच बोल रही है। मैं ना, देखो तुम लोगों को ना गलतफहमी दूर करती हूँ। ऐसी जवानी ही क्या जिसमें कहानी ना हो। अगले उसमें मिलते हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या जिसमें पानी ना हो? यार हर्ष, इनके चेहरे देख, कितने थके हुए लग रहे हो यार तुम लोग। हाँ यार, ये तो मेरे को डे वन से थकेला लग रहा है, और ये पैदा होने से पहले थका हुआ था। पर अभी तुम लोग बहुत थके, भूख लगी होगी ना? बहुत भूख लग रही है यार। क्या ऑर्डर, क्या खाओगे बोलो? मैं ना चीज बर्स पिज्जा, हाय अल्फांसो आम, मुझे पास्ता, ओके, एंड चॉकलेट मिल्क शेक। पास्ता एंड चॉकलेट मिल्क शेक लिख दिया, ऑर्डर करूं? हाँ ऑर्डर कर दे, ऑर्डर कर दे। हेलो, हाँ, 3 डंडे,
विथ एक्स्ट्रा चीज एंड एलोपिनो से डुबो के। और क्या चाहिए था? पास्ता। हाँ, पास्ता जहाँ मिलता है ना वहाँ उसके बाजू में एक चप्पल की दुकान है। यहाँ तुमको हम खाना खिलाने लेकर आए हैं क्या? नहीं, यहाँ हम तुम्हें टॉर्चर करने लाए हैं और ये टॉर्चर टाइम में चलो। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए हम तो करा देंगे आपकी शादी। हाँ। आप आशा सम्राट बन भी जाएंगी। ओके। मगर आशा सम्राट। हाँ। आशा सम्राट थोड़ा खुद ही सोचिए, ऐसा लगता है किसी ने भिंडी की रेड़ी के आगे मर्सिडीज को टोचन कर दिया। देखिए हम केवल इतना कह रहे हैं आपसे, ये सम्राट वम्राट का चक्कर छोड़िए, आप कोई दंजानी वंजानी पकड़िए। एक मिनट, ये देखिए एक लड़का है हमारे पास आपकी नजर में। ये कौन है? लपड़ झंडूस। लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? वाह आशा, मान गए। किसे? आपकी पार की नजर और घटिया एंकर दोनों को हटाओ साले को। खैर देखिए, अगर आप किसी को ना बताएं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। सच्ची? बताओ। देखिए अगर आप चुपके से सुमड़ी में हमको 500,000 रुपए का चेक दे दें, okay. तो हम आपकी शादी पुलकित सम्राट से करा सकते हैं। हाँ? जी हाँ। तो ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। ये लीजिए 500,000 का चेक। 500,000 का चेक? जी। चलिए अब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपकी समस्त चिंताएं आप हमको दे दीजिए। आप जाइए मेहंदी वालियां पकड़िए, बैंड वाले पकड़िए, जोरदार तालियां हो जाए भैया इनके लिए, 500,000 का चेक देके जा रहे हैं हमको। जरा एक बार चेक तो देख रहे हैं। छोटा मैना बैंक, छोटा मैना बैंक, घोसला का घोसला रोड, चुहिया पार्क, अरे शेंडी लगा गई हमको आशा नेगी। अरे जा मैरिड ब्यूरो वालों की तुमको एक श्राप है, तेरी सुहागरात पे मेंढक कूदेंगे। अबे जा जा। तेरे चेहरे पे छुआरे से बड़े बड़े पिंपल होंगे। अबे चल। तेरी शादी ऋत्विक अंजानी से ही होगी। अरे ये 500,000 रुपए क्या है भाई, ये 500,000 रुपए तो हम कलर्स के ऑफिस में सिंघाड़े बेच कर इकट्ठा कर लेंगे। हमारा नाम रवि दुबे है, रवि दुबे हमारे साथ, पूरा चैनल पूरा ऑप्टिमिस्टिक खड़ा है। जय राजनायक पायलाकू जचू जॉर्ज। तेरे से सीनियर हूँ। इधर आ, तुझसे 2-3 वेकेशन ज्यादा ही देखे हैं मैंने, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दो डायपर में शूट खत्म हो जाएगा यार। प्रोडक्शन से मंगवाना बिंदास। जब इनकी इनकमिंग में खर्चा हो सकता है तो हमारी आउटगोइंग में नहीं हो सकता। बस बोलो क्या करना है, अब भी काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मेहमान आई है ना उनकी बिना बात की तारीफ करनी है, फुल चापलूसी। बंदे की फिल्म 19-20 हो ना, हमने ये बुरा नहीं कहना, हमने कहना है फिल्म सेमी हिट थी। और रिचा दीदी पुलकित भैया कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकना चाहिए। और अगर थक गया तो? फ्रैंक को जाना, कहना हे रिचा हे पुलकित। वो जो दिख रहे हैं ना दीदी के साइड में, वो है मंजोत भैया। हाँ, उनके भी मैंने सारी फिल्म देखी है। दूसरी कौन सी? भाग मिल्खा भाग, उसमें उन्होंने फरहान अख्तर के बचपन का रोल किया था। अबे वो दूसरे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, वो बच्चे हैं ना अभी, से इतना पता नहीं है। क्या कर रहे तुम दोनों? शर्मा जी हम लोग लेडी संगीत के लिए जा रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में इतना दीदी पूछिए बिल्डिंग लिफ्ट ही बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रसा बंद है। अरे साथ में कुमार शानू भी आए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने हमारा गाना सुन लिया और हमें मारने आए हो? आप ना प्लीज ये हारमोनियम और ये ढोलकी देख के ये ना समझे कि हम लोग यहाँ पे कोई कॉम्पोजिशन करने के लिए आए हैं। दीदी कॉम्पोजिशन नहीं होता है, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन चैनलों में होता है पागल। म्यूजिक में तो कॉम्पोजिशन ही होता है। एक्चुअली हमें लेडी संगीत का प्रोग्राम मिला है, उसके लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा मुझे बताइए लेडी संगीत, लेडीज तो ठीक है, लेडीज तो दोनों ठीक है, लेडीज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लेडीज हमने देखे नहीं है, लेकिन संगीत इसके बारे में कुछ बताएं।
शर्मिंदा हो रहा है। मुझे लग रहा है अनुपा जी आप उल्टा बोल रहे हैं कि संगीत तो चलो ठीक है, लेडीज कहाँ से लग रही है। मिस्टर बिट्टू शर्मा एक मिनट, मैं आपको जरा बता दूं, यहाँ पर कुमार शानू जी और अनु मलिक जी इंडिया में जितने फेमस है ना, वैसे ही लेडी संगीत के मार्केट में हम दोनों फेमस हैं। मेरे को एक चीज बता दो जरा, एक सेकंड, मेरे में दोनों में से ढोलक कौन है? अच्छा ये तो ढोल है। ये प्लीज, ये हमारा कार्ड है, कोई भी आपको लेडी संगीत का कोई टुच्चा प्रोग्राम मिले जो आपको ना करना हो वो आप तो जरूर बुलाइए, पास ऑन कर सकते हैं। और किसी प्रोग्राम के लिए अगर हम टुच्चे हुए तो वो हम आपको दे देंगे, मतलब कोई दूसरी बात। हम शादियों में मल्टीपल काम करते हैं, हम लोग मतलब मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं। क्या बात कर रही है, और क्या क्या करते हैं? मेहंदी की कुप्पी जैसा तरह मुंह, तरह से मेहंदी कौन लगवाता है? दुल्हन के पापा लगाते हैं, जो बाबुल होते हैं ना वो लगवाते हैं मेहंदी में से, मतलब जैसे उनके कई उम्र ना उनके सिर पे जो सफेद बाल होते हैं उनको हम लोग मेहंदी लगा के काला कर देते हैं। मतलब सफेद बालों वाले अंकलों में हमारी बहुत ज्यादा डिमांड है। दीदी आपको याद है एक बार वो अंकल के सर में आपने गलती से पालक की सब्जी लगा दी थी? तो गलती मेरी नहीं थी, गलती तेरी थी, क्योंकि तू मेहंदी खा गई थी। अच्छा मैंने वो पालक लगाया, अंकल कर गए गुस्सा। मैंने कोई बात नहीं अंकल, गुस्सा मत करो, मैं पनीर भी लगा देती हूँ, डिश तैयार हो जाएगी। जैसे तैसे करके हमने सूट में छुपाया हुआ, ऐसे गाने गा के तू खुद बता रही, तू है कौन अंदर से? सबको बताया कि मैं दादी हूँ, मैं दादी हूँ ना, देख सबको पता है, लेकिन तुझे नहीं पता। हाँ एक शादी में ना लेडीज संगीत के लिए ना हमें गाने के लिए बुलाया, हम वो गाने जा रहे इसीलिए हम तैयारी कर रहे थे। सुनहरी कांटे में मम्मी जी तैयारी तो हो गई समझो, ये देखो कौन आए हैं, मेरा सानू। आओ दादी कैसे हो? Excuse me, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा लेडी संगीत सुपर डुपर हिट हो जाए। सच में हो गया, हमारा आशीर्वाद है। अरे सर आप क्यों दे रहे आशीर्वाद, इसकी आशीर्वाद देने की खुद की उम्र हो गई है, खुद आशीर्वाद मांग रही है, तेरे से छोटे हैं 2 साल। बिट्टू इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, तुझे पता नहीं अनु जी ने मेरे लिए एक गाना भी लिखा था, गाया था। बुआ तू झूठी बातें कर रही है, तेरे को कोर्ट में घसीट लेंगे ये। मैं चाहती हूँ ये मुझे कोर्ट में घसीट ले, वहीं हम शादी भी कर लेंगे, है ना जी? चुप कर, जब तेरे को तो शादी कर रही है, हमें शादी में जाना, चल लेडी संगीत चलते। चल लेडी संगीत में रुको, लेडी संगीत में हम जाएंगे, हमारी बुकिंग हुई है पहले। काहे की बुकिंग हुई है? हम दोनों बुजुर्ग है, बड़े है, तो हमारा बनता है हम जाएंगे। अरे नरक में नहीं जाना, लेडी संगीत की बात हो रही है। Very nice, very nice.